जब आपको बता दूँ कि पी के डेटा है हमारे सामने उसमें मैनुफैक्चरिंग पी एम नाइन से बढ़ के फिफ्टी नाइन पॉइंट टू हो गई है जो कि सिग्निफिकेंट है बहुत बड़ी है ये देखिए फिफ्टी सिक्स पॉइंट नाइन से बढ़ के फिफ्टी नाइन पॉइंट टू आपको याद होगा जब जीडीपी का नंबर आया था लास्ट टाइम तो साढ़े दस परसेंट की मैन्युफैक्चरिंग दिखी थी और ये डेटा भी उसी तरफ इंडिकेट कर रहा है सर्विसज पी फ्लैट या बहुत थोड़ी सी पॉइंट कम है यहाँ पे पॉइंट थ्री परसेंट पॉइंट थ्री कम है यहाँ पे और कंपोजिट पीएमआई भी लगभग फ्लैट से यहाँ पे देखने को मिले लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई काफी इंटरेस्टिंग है काफी बढ़ के आता हुआ देखने को मिल रहा है तो इसको ध्यान रखिएगा मार्केट के लिए ये हाई फ्रीकुन्सी डेटा है जल्दी जल्दी आते हैं लेकिन मार्केट इनका नोटिस जरूर लेता है राजेश जी अविनाश जी सवाल पूछना चाहते हैं अंबर इंटरप्राइजेस पे क्या राय देंगे आप इनको

तो आपको 3550 3500 इस ट्रेजेक्टरी के आसपास एग्जिट करना है फिलहाल जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 3250 का ओके ये आप ये बाउंस जो आया है उस पे प्रॉफिट बना के निकल जाइएगा प्रवीण का सवाल लेते हैं कोटा राजस्थान से महेश जी जुड़े हैं प्रवीण जी नमस्कार सवाल पूछिए सर गुड मॉर्निंग मेरा सवाल है सर आईएफसीआई के 400 शेयर्स हैं मेरे पास 57 के भाव पर ओ हो गया नुकसान इसमें क्या करना चाहिए आप क्या करना चाहते हो ये बताओ <laughs> मैं तो होल्ड भी कर सकता हूँ कितने दिन तक जब तक पॉजिटिव ना है आ, आ सकता है चांसेस है कुछ क्या एग्जिट करना चाहिए ये नहीं आप, आपने तय कर दिया कि जब तक नहीं आएगा तब तक होल्ड करेंगे राजेश जी बताइए भाई उनतालीस रुपए में चल रहा अभी सत्तावन में खरीदा प्रवीण जी ने सत्रह रुपये का नुकसान मेरे जी मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ देखिए जब बाजार एक आ, अपने आ, मूड में रहता है जो हमने पिछले आ, रैली में देखा था पिछले महीने भी तो तब हमने देखा था जो काउंटर नहीं चलते थे जैसे कि येस बैंक है सुजलॉन है आई एफ सी आई ये सब चलने लगते हैं क्यों क्योंकि किसी के पास जगह नहीं रहती है कोई सस्ता वाला माल मिल जाए जिसका नाम भी हो तो आई एफ सी भी वही मेरे हिसाब से वही काउंटर एक काउंटर है कि जहाँ पे हमने एक रैली देखी थी सेवेंटी तक अभी सेवेंटी के बाद ये करेक्ट होते होते गए लोगों तो लोग लोगों ने यहाँ पे ऐड करते गए लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज नॉट ए काउंटर ये ट्रेडिंग करने वाला काउंटर है या इन्वेस्टमेंट वाला काउंटर नहीं है अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो स्टॉप लॉस के साथ करें रही बात उनके पोजिशन की तो देखिए जो करेक्शन है तो वन बॉट ऑफ सेलिंग ओवर दैट इज वॉट कैन से सत्तर से ले लेके करीबन पैंतीस तक का करेक्शन तो आधा तो इधर हो गया तो यहाँ से पुल बैक मिलना चाहिए कहाँ तक मेरे हिसाब से पैंतालीस से अड़तालीस फोर्टी फाइव टू फोर्टी एट जहां पे आपको एग्जिट लेना है प्रोबेबली अगर मैं गलत हूँ